भाई आराम से क्या कर रहे हो? बाइक चलानी है? बैठ जाओ भाई, चला लोगे बाइक? पटाखे निकल रहे हैं बाइक के, वो छोड़ दो, बस करो, बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। और पीछे बैठ रही है लड़की राइड के लिए। ओए होए होए, कितनी सेक्सी लग रही है भाई। वो नीचे ये कमेंट कर रहे थे, भैया हम आपके फैन हैं, आप ऐसी वीडियो मत बनाया करो, ये टोटली स्क्रिप्टेड है भाई। जिसको तू बैड फिला कह रहा है ना, उसको बैड फैला कहते हैं। नक को रोक ले भाई, रोक ले एकदम। हाँ जी रंधावा साहब, तुम तो खुश हो गए बहुत ज्यादा। फिर दोबारा ले आए आपके लिए एक और नई वीडियो। काफी टाइम से डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे थे भाई, अब से डेली व्लॉग्स आएंगे। आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यार वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक आपको ट्रेडिंग ऐप के बारे में, जिसका नाम है विनोमो, जो कि मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, जिससे मैं ट्रेड करके मनी अर्न करता हूँ। ट्रेडिंग कैसे करनी है और कैसे आपको विनोमो ऐप को यूज करना, हम वीडियो देखते हैं। यह विनोमो ऐप जो कि मेरे रियल अकाउंट में 53,637 रुपीज। सबसे पहले हमने एसेट चूज कर लेना है, उसके बाद आती है पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हम करेंगे अमाउंट पे क्लिक। देन आज हम करने वाले हैं 7,000 रुपये इन्वेस्ट। ग्राफ को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, हमें ये प्रिडिक्ट करना होता है ग्राफ को देख के कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, मैंने 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, हम वेट करते हैं। हमने अर्न कर लिया 12,810 रुपये। और यहाँ पे हमें टूर्नामेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट करके मनी अर्न कर सकते। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो मेरे लिंक से जाएगा उसको मिलेगा $1,000 डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। पहले आप ट्रेडिंग सीख लें, उसके बाद अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट करके ट्रेड करें। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज HSB, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस फाइनली आज फिर दोबारा है अपनी BMW S1000RR पे। तो भाइयों आपने मोटो ब्लॉग सीरीज को बहुत ही प्यार दिया, जो कि आपको बहुत ही पसंद आई। मोटो ब्लॉग सीरीज बहुत ही पॉजिटिव कमेंट से तीन सीरीज आई थी, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और भाई फोर्थ के लिए हमने टू बी कंटिन्यू कर दिया था। उसी का पार्ट है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हमने यार छोटी सी ना कोशिश करी है मोटो ब्लॉग सीरीज़ बनाने की, जैसे लोग वेब सीरीज़ बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, वाइंस बनाते हैं। क्योंकि यार आजकल जो दौर है वो चल रहा है मोटो ब्लॉगिंग का, जो कि मतलब एक नंबर पे चल रही है ना भाई, वो मोटो ब्लॉगिंग चल रही है। क्योंकि आप भी देख रहे हो कि पिछले 2 साल से बहुत बूस्ट आ रहा है, और बहुत ही यूट्यूबर्स आए हैं जो कि मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और भाई बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने एक छोटी नई कोशिश करी है कि भाई देखो कि जैसे वो वाइंस बना रहे हैं, शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं, और एशिया के सबसे बड़े बड़े चैनल हैं, और वो लड़के भी अपने दूर के नहीं, अपने दिल्ली के लड़के हैं जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो भाई हमने यही ट्राई करा कि भाई एक काम करा जाए, भाई इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, पूछ ले गाड़ी ख़राब हो गई उनकी, वो शायद SS4 ख़राब हो गई है किसी की, और रंधावा साहब बुलेट पे पूछने गए हैं। क्योंकि भाई हम तो निकले हुए थे, तो मैंने कहा चलो किसी की मदद हो जाए। और भाई ये अपनी बाइक की कुछ ऐसी लुक, भाई कांच लग रही है, कांच है भाई, क्या चीज़ लग रही है भाई। मैं तो एक रील निकाल लेता हूँ, क्योंकि भाई जिन्होंने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा हुआ तो भाई कर लो फटाफट जाके अपने भाई को। ओए होए क्या चीज़ लग रही है, कांच लग रही है। आ गए रंधावा साहब भी, भाई देख रहे हो क्या लग रही है, चले भाई। भाई बैड फैला, बैड फैला भाई, मैं इसको बैड फिला फिला कह रहा था। बड़े भाई का फ़ोन आया US से, कहता भाई तू पागल है क्या? मैं कहा क्यों क्या हुआ? कहता भाई पूछ लिया अगर किसी जिस चीज़ के बारे में नहीं बताओ तो। मैं कहा क्यों क्या हो गया? कहता भाई जिसको तू बैड फिला कह रहा है ना, उसको बैड फैला कहते हैं ना कि बैड फिला। मैं कहा ठीक है। मेरे को बाइक का रिएक्शन दे वो, हाय हाय। और भाई अभी भी एक थक नहीं रहे, खुश हो रहे हैं, बड़ी देर की बाइक को नोटिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाह रहे हैं पर वो बोल नहीं पा रहे। यार देखो जो वेब सीरीज होती हैं, शॉर्ट मूवीज होती है, तो उनके अंदर भी छोटी सी स्टोरी होती है। हमने स्टोरी क्या शूट करी, एक छोटी सी स्टोरी थी। देखो सारे, देखो कितना गुड रिएक्शन आ रहा है, सारे भाई मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। भाई बाइक बड़ी चमक रही है, देखो फिर देख रहा लड़का। यार सबका शौक होता है अब सुबह बाइक लेने का। हमारी थी ना छोटी सी ये स्टोरी थी कि हमने बहुत इजी वे में शूट करी थी। और भाई वो गर्ल्स का भी बता दें, जो वो गर्ल थी वो पहले भी आई हुई थी, वो एक्चुअली रंधावा साहब की रियल में फ्रेंड है, वो मेरे साथ प्रैंक करा था।
तो ये गर्ल तब भी आई थी। मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। मेरे साथ चीट करता, मुझे फोन आ जाता है कि बाजी आपकी बुलेट यहाँ पे खड़ी है। जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, वहाँ से रंधावा साहब लड़की को लेके बाहर आ रहे होते, देन मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ तो पता लगता है कि वो किसी घर में जाके घुस जाते हैं दोनों, और मैं उसके बाहर वेट करता हूँ घर के बाहर। तो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके कपड़े चेंज होते हैं, पर मुझे लगता है कि लड़की चेंज हो गई है, पर वो लड़की वही होती है, तो उनके कपड़े वगैरह चेंज हो जाते हैं। वो मैं उनका फिर पीछा करता हूँ, मैं देखता हूँ तो वो दोबारा वो स्टारबक्स चले जाते हैं। तो क्योंकि वो पहले भी स्टारबक्स से निकले होते, दोबारा स्टारबक्स जाते हैं, तो मुझे थोड़ा डाउट होता है कि भाई वही लड़की है या और कोई लड़की है, थोड़ा सा ये डाउट हुआ था। बट वो बाद में पता लगा था कि वो सेम गर्ल थी। स्टारबक्स जाता हूँ तो मैं अंदर चले जाता हूँ, वो एकदम से शॉक हो जाता रंधावा, क्योंकि वो मुझे झूठ बोल के गया होता कि भाई मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मेरी बात होती है तो वो कहता भाजी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा था, मैं अभी अभी आया था, थोड़ी देरी हुई है। उतनी देर में दूसरी गर्ल आ जाती है, जब यहाँ पे कैसे होती, क्योंकि रंधावा साहब ने उस गर्ल को बोला होता कि भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और जिस लड़की के साथ वो बैठे हुए हैं वो भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो दोनों को ना शौक हो जाता है कि उसको जो दूसरी गर्ल है, सेकंड गर्ल को लगता है कि रंधावा साहब की ये गर्लफ्रेंड है, और वो जो उनसी पहली वाली लड़की है उसको लगता है कि रंधावा साहब की ये गर्लफ्रेंड है। बट उनका सॉर्ट आउट हो जाता है। देन जो लड़की वहाँ पे आई होती है तो वो छोड़ने जाते हैं घर पे। मैं उसके पीछे जा रहा होता हूँ, तब कोई बंदा आता है, उनको कट मारता है, नन उनकी बाइक गिर जाती है, वो भाग जाता है। टू भी कंटिन्यू मैंने कर दिया। उसके आगे क्या होता है मैं वो थोड़ी सी बता देता हूँ। पार्ट 4 भी आएगा जिसका नाम है मोटो व्लॉग सीरीज 4। सार सबके रिएक्शन देखो कितने आ रहे हैं। उसके बाद की स्टोरी कुछ ऐसी है, दावा साहब के साथ स्टारबक्स में ऑलरेडी बैठी हुई थी। वो लड़की मुझे बोलती कि मुझे ये बाइक बहुत पसंद है, आप प्लीज़ मुझे बाइक पे ले चलो और मुझे इस पे राइड करनी है। वो लड़की मेरे पीछे बैठ के आती है, देन हम जाते हैं तो वहाँ पे हम बाइक से उतारते हैं, तो वो कहती है कि मुझे रंधावा साहब के साथ इस बाइक पे राइड करनी है। देन वो करती है, आओ हम शॉर्ट देखते हैं। जी क्या कह रहे हो? आई वांट राइड विद रंधावा साहब। लो जी रंधावा साहब राइड दो इनको। चलो भाई वो कह रहे हैं कि रंधावा साहब राइड देंगे, आराम से बैठना यार, पीछे लगे ना भाई। रंधावा साहब चलाने लगे हैं BMW अपनी S1000 RR, और पीछे बैठ रही है लड़की राइड के लिए। बढ़िया लग रही है, ओए होए होए कितनी सेक्सी लग रही है भाई। भाई क्या लग रही है भाई, देख रहे हो वो खड़ी अपनी रानी बुलेट। तो बाइक देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई, क्या चीज़ लग रही है। और ये मैंने सलेंसर भी भाई चेंज करवा दिया, मैंने आपको बोला था ये सलेंसर भी चेंज हो गया भाई का, पूरी अब क्रोम हो गई, बिल्कुल लोक की हो गई है। वो देखो वो आ गया वहाँ से भाई, मज़े तो इनके हैं। रोक ले भाई। सो गाइस पूछ लेते इनका रिएक्शन कैसा लगा भाई, कैसा लगा बाइक पे बैठ के? ऑसम, सही थी फीलिंग एकदम। हाँ जी रंधावा साहब तुम तो खुश हो गए बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना भाई, लड़कियों को भी खुश करियो भाई। बहुत सेक्सी लग रही है बाइक, देखो यार कितनी बढ़िया लग रही है यार आज। और ये खड़ी अपनी बुलेट। चलो भाई निकलते हैं, अब बहुत देर हो गई, निकले यार अब, चले भाई। चलो भाई आपने वीडियो देख ली। काफ़ी भाई थे जो नीचे कमेंट मार रहे थे, जिनको नहीं पता था वो नीचे ये कमेंट कर रहे थे, भैया हम आपके फ़ैन हैं, आप ऐसी वीडियो मत बनाया करो, ये टोटली स्क्रिप्टेड है, तुम मेरे फ़ैन नहीं तुम मेरे भाई हो। उन सभी को बता देता हूँ कि शॉर्ट मूवी वेब सीरीज सारी प्री प्लान्ड ही होती हैं, पहले शूट हुई पड़ी होती है, स्टोरी लाइन होती है उसकी समझने के लिए हम वो शूट करते हैं पर बताया नहीं जाता। बट मैं मोटो व्लॉग में फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे पता है पहले थोड़ा बहुत हेट मिलेगा, पर बाबा जी कृपा करेंगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हमने एक और मोटो व्लॉग सीरीज सोची हुई है जो कि बहुत ही बढ़िया सोची है, वो भी आपको पसंद आई, क्योंकि ये भी आपको बहुत पसंद आई, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे। और बहुत भाई ऐसे थे जो ये नीचे कमेंट कर रहे थे कि भैया ऐसी सीरीज़ और लेके आओ, ऐसी मोटो व्लॉग सीरीज़ और लेके आओ। तो भाई मैं उनको यही कहता हूँ कि यार देखो हेट मत फैलाओ भाई, नीचे जिनके कमेंट थे कि ये स्क्रिप्टेड है प्री प्लान्ड है, तो यार मैं सबको बोल देता हूँ उनका नाम मोटो व्लॉग सीरीज़ है। हेट फैलाने की बात नहीं, जिसको जिस बारे में पता नहीं है तो हम उनको बोल नहीं सकते, तो मेरे भाइयों को नहीं पता था, तो मैंने इसलिए कोशिश करी कि भाई मुझे प्रॉपर एक वीडियो बनाना चाहिए और सबको बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है 3 पार्ट पर मोटो व्लॉग सीरीज़। अब भाई जो नेक्स्ट आएगा वो 4th पार्ट आएगा, बट ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये मैंने आपको एक हिसाब से ये स्टोरी की एंडिंग दिखा दी है। वो लड़की को ये बाइक पसंद थी, देन वो बाइक के ऊपर राइड करी उनको, वो बहुत हैप्पी हुए। ये वीडियो शूट करने का मेरा यही मतलब था कि जो हमारे भाई हैं उनको सब कुछ ना एक बार ही क्लियर हो जाए, क्योंकि क्लियर होगा तो भाई उनको तभी समझ आएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वेब सीरीज़ लेके आऊँगा तो फिर उनको ना समझ आए इसलिए, क्योंकि यार अपनी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो भाई सपोर्ट करो। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब कराओ भाई सब्सक्राइब कर लो, अपने गली में अपने रेडी वाले सब्जी वाले सबसे भाई चैनल सब्सक्राइब करवा दो। वो देखो पुलिस वाले बाइकें पकड़ रहे हैं पुलिस वाले लेफ्ट साइड पे। चल भाई निकल, आगे भी मोटो व्लॉग सीरीज लेके आए या ना लेके आए, वीडियो पे 3000 कमेंट होंगे तो अगली सीरीज तभी आएगी, 4th मोटो व्लॉग सीरीज तभी आएगी जब इस पे 3000 कमेंट आ जाएंगे। तो भाई
टाइम ना वेस्ट करो, कमेंट करो अपने भाई को, और भाई जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा कर लो, और भाई ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है यहाँ पे जाके अपने भाई को फॉलो करो, और भाई फटाफट 1 लाख फॉलोअर्स यहाँ पे भी करवा दो यार, बहुत प्यार दिखा रहे हो इंस्टाग्राम पे। यहीं पे वीडियो को एंड करते, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू।